प्रोडक्शन क्लास 8 और आज का टॉपिक है एच, उसका नाम है स्टोरेज। देखो बेटा, अब हमारे पास फसल तैयार है, फसल को काट लिया, ग्रेन्स हमारे पास है, अब उनको स्टोर करना हमारा मेन मोटिव होगा, क्योंकि अगर हमने सही समय पे उनको स्टोर नहीं किया तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर बारिश हो गई या फिर मान लीजिए किसी पेस्ट का उस पर अटैक हो गया तो सारी की सारी जो मेहनत है पूरे साल भर की वो खराब हो जाएगी। तो टॉपिक है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो मैं पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ, उसके बाद हम इसके नोट्स बनाएंगे। तो क्रॉप्स आर सीजनल, आपको पता है क्रॉप सीजनल होती है, एक खारिफ होती है एक राबी होती है। टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री दीज आर केप्ट इन द स्टोरेज। अब देखो, आपको देखना, आप देखिए बाजार में आपको चावल 12 महीने मिलता है, तो पूरे 12 महीने मींस पूरे 12 मंथ मिलता है। आपको गेहूं के, गेहूं का आटा या इवन गेहूं भी आपको पूरे 12 महीने मार्केट में मिलता है, पर उनकी जो फसल होती है वो सीजनल होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वीट होता है वो हमारा कौन सी क्रॉप है, दैट इज अ राबी क्रॉप। एम आई करेक्ट? इट इज अ राबी क्रॉप। इट इज सोन इन द सीजन ऑफ अक्टूबर एंड इट इज हार्वेस्टेड इन द सीजन इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च या अप्रैल। और साथ के साथ जो हमारा राइस है वो दूसरा है, दैट इज खारिफ, जो आप जानते हैं वो जो कि हमारा मॉनसून सीजन में ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में, एट द एंड ऑफ अक्टूबर। देखो, सीजनल होने के बावजूद भी है वो अगर 12 महीने मिल रहा है तो उसका मतलब द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे लिखा है हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड मतलब जब फसलों को काटा जाता है उनको हार्वेस्ट करके थ्रेशिंग विनोविंग के बाद उनके अंदर जो ग्रेन्स के अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उनको बिना ड्राई करे, बिना सुखाए अगर उन्हें स्टोर कर दें तो उनके अंदर सबसे पहला अटैक होगा फंगस का, फफूंदी जिसे हम कहते हैं, फंगस, फंगस लग जाता है। क्योंकि आपको पता है बेटा, सबसे ज्यादा जो एक्शन होता है माइक्रोब्स का वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है वेन द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज ग्रेट। जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है तो उस दौरान क्या होता है, सबसे ज्यादा माइक्रोब्स एक्शन हो जाते हैं। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई और मोल्ड्स ऑन द ग्रेन एंड स्पॉइल द फ्रूट किड्स। तो उन्होंने यही बोला है कि मॉइस्चर, नमी के वजह से सबसे ज्यादा वहां पे ग्रोथ होती है फंजाई और मोल्ड्स की, और जिसके वजह से हमारी जो ग्रेन्स है, जो फसल है, जो दाने हैं ग्रेन्स में हमारा राइस वीट वगैरह ये सारे खराब हो जाते हैं। देयरफॉर द फूड ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। तो मेन थिंग इज दैट बिफोर स्टोरेज वी शुड ड्राई द ग्रेन्स। Before the food grains are stored, they are dried in the sun to remove the excess moisture. The dried food grains are then stored in a suitable storage. तो यही चीज समझाइए। On the domestic level, domestic means हमारे घर तक। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे नाना जी दादा जी के घर जब आप जाते हो तो वो बोरिया लेते हैं, गेहूं की बोरी ले लेते हैं एक बार, और वो ले लेते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हार्वेस्ट होता है, मई में वो गेहूं ले लेते हैं और पूरे साल हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है टंकी में से गेहूं निकालते हैं, नानी दादी साफ करती है, धोती है, सुखाती है छत पे और उसका आटा पिस जाता है। पर अब हमारे पास ना तो छते हैं, यहाँ पे छते हैं हमारे पास नहीं है छते, तो हम क्या लेते हैं, हम पिसा पिसाया आटा लेते हैं, हार्वेस्ट, गोल्डन हार्वेस्ट का ले लिया, आशीर्वाद ले लिया, पिल्सबरी ले लिया, बहुत सारी ब्रांड्स के आटा मिलते हैं। तो यहाँ पे यही है। ऑन डोमेस्टिक लेवल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ टीन कोटेड आयरन और द मड क्ले। तो गांव में अब भी ये चलन है, वो कभी भी बाजार का पिसा हुआ आटा नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, टेस्टलेस लगता है, कहते क्या बाजार की रोटियां, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो छोटा छोटा उनके पास कंटेनर्स होते हैं, जैसे दो बोरी मीन्स दो या ढाई बोरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। एक बोरी में बेटा 100 किलो गेहूं आता है, वन क्वांटल मीन्स 100 किलो, एक बोरी 100 किलो की होती है। तो अगर हम दो ले रहे हैं तो मीन्स वी आर टेकिंग 200 केजी ऑफ व्हाट, वीट्स। चलिए, ऑन द कमर्शियल स्केल की अगर बात करें, कमर्शियली जैसे मान लो कोई आशीर्वाद की कंपनी, आशीर्वाद कंपनी, पिल्सबरी कंपनी है, अब वो दो बोरी थोड़ी ना लेगी, वो तो कई टन ऑफ, कई मेट्रिक टन ऑफ क्या लेगी, गेहूं लेगी। तो उसको स्टोर करने के लिए उनको कमर्शियल लेवल चाहिए, बड़े बड़े टैंकर चाहिए जिसमें वो गेहूं को स्टोर कर सके। ऑन कमर्शियल स्केल फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, ग्राम एक्सेट्रा आर स्टोर्ड आइदर इन अ गरी बैग्स और इन अ ग्रेन सिलोज। तो आप अपनी बुक में देखो बेटा, शायद आपको वहां पे कुछ डायग्राम्स वगैरह भी नजर आ रहे हो, ठीक है। देखिए, गनी बैग्स होते हैं,
गनी बैग्स, मतलब बैग्स होते हैं जिनमें बैग्स के अंदर प्रॉपरली ग्रेन्स को भर के सील किया जाता है और फिर उन्हें स्टोर किया जाता है। द गनी बैग्स फिल्ड विद द फूड ग्रेन्स आर स्टैक्ड, का मतलब होता है चट्टा, जैसे एक बोरी फिर उसके ऊपर एक और बोरी फिर उसके ऊपर एक और बोरी, इस तरीके से ये बहुत सा बड़ा सा हमारा वेयर हाउस होता है या फिर स्टोरेज हाउस होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर इस तरीके से बोरियों को रखा जाता है गेहूं भर भर के, ठीक है समझ में आ रहा है बेटा, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बोरियों को निकाल के ट्रक के ऊपर लोड किया जाता है। ये ट्रक है, इस ट्रक के अंदर बोरियां भरी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेटा। ओके, सो स्टैक्ड इन अ लार्ज गोडाउन अबाउट 60 to 70 centimeters अवे फ्रॉम द वॉल्स। तो ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इस दीवार से कम बोरियों का जो डिस्टेंस होता है वो कम से कम कितना होता है बेटा, 70 to 80 centimeters दूर। तो 70 to 80 को कुल मिला के मान लो कम से कम 1 meter की दूरी पे रखा जाता है। अब मान लो बिल्कुल अगर हम सटा के रख देंगे, बिल्कुल उससे लगा के रख देंगे, तो क्या होगा, जैसे बारिश हो रही है तो ये दीवार गीली हो जाएगी, वॉल्स गीली हो जाएगी, और जब वॉल्स गीली हो जाएगी तो ये मॉइस्चर कहाँ जाएगा बेटा, दीवारों में आ जाएगा, और दीवारों से कहाँ चला जाएगा, सीधा गनी बैग्स के अंदर, और गनी बैग्स के अंदर क्या है हमारे ग्रेन्स। तो आप समझ सकते हैं अगर मॉइस्चर आ गया तो ये सारे जो हमारे ग्रेन्स है वो खराब हो जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है कि दीवारों से सटके नहीं लगाना है, दीवारों से कम 1 meter की दूरी बना के आप रखें, कम से कम इतना डिस्टेंस रखें ताकि आपकी जो ग्रेन्स है उनमें मॉइस्चर ना आए, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। ओके, सो फ्रॉम द वॉल्स एंड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म अबाउट 10 to 15 centimeters अबव द ग्राउंड। अब ये जो है, अब मान लीजिए बिल्कुल आपको ग्राउंड से, ये फ्लोर है, अब बिल्कुल फ्लोर से भी आपको गेहूं नहीं रखना, गनी बैग्स नहीं रखने, क्योंकि क्या होगा बेटा, मान लीजिए समहाउ सपोज करिए, अगर मान लीजिए कभी आप यहाँ पे इसकी वॉशिंग कर रहे हैं तो पानी नीचे बोरी में चला जाएगा, और बोरी से क्या होगा, ये कैपिलरी मेथड के थ्रू ये सारी बोरियों में मॉइस्चर चला जाएगा। तो कम से कम हम यहाँ पे क्या रखें, कम से कम इसका एक प्लेटफॉर्म रखें, पटरा रखें, या फिर वुडन का एक स्टेज बनाएं, उसके ऊपर बोरियों को रखें कि नीचे एक गैप हो, फ्लोर से भी हम दूरी बना के चलें ताकि मॉइस्चर नीचे से भी ऊपर ना जा पाए, ना तो साइड से जाए और ना ही नीचे से ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो कॉन्टेक्ट है दीवारों से और फ्लोर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू बी स्टोर इज वेरी लार्ज देन इट इज स्टोर्ड इन अ ग्रेन सिलोस। अब देखो बेटा, आप अपनी बुक में देखिए, जब मैं वीडियो इसको करूंगी एडिट तो मैं आपको यहाँ पे ग्रेन सिलोस भी दिखाऊंगी। तो ग्रेन सिलोस आप पेज नंबर मेरे 15 में दे रखे हैं, बड़े बड़े से, बड़े बड़े से ये हमारे क्या है, कंटेनर्स हैं। इन कंटेनर्स के अंदर जब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है गेहूं तो बोरियों में नहीं रखा जाता, बड़े 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 सिलोज होते हैं ग्रेन्स के, ग्रेनरी कह सकते हैं, ग्रेन सिलोज, ये कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, नीचे से ओपनिंग होती है, उनमें इनको फिल किया जाता है और इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब रिक्वायरमेंट होती है उतना ग्रेन यहाँ से निकाला जाता है। तो ये है बेटा, ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, दीज सिलोज कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल, द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द सिलोज। तो ये ओपनिंग है, यहां से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना ग्रेन निकाल सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, हाउ वी विल स्टोर द ग्रेन इन द वॉट, गनी बैग्स, इन द वॉट वी कैन से इन द ग्रेन इन द सिलोज, ठीक है। तो अब मैं इसके नोट्स लिखवाती हूँ, नोट्स लिखिए अब, ठीक है, चलिए। वाई फूड ग्रेन्स are stored properly after harvesting? Question है, why food grains are stored properly after harvesting? या फिर इसका एक और लिख सकते हैं, why food grains are स्टोर्ड, क्यों आप फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं? इसका आंसर है टू प्रोवाइड
फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री। मैम एक बार आप आंसर स्टार्टिंग से बोल सकते हो? हाँ बेटा, आंसर है टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर। पहला रीजन है कि पूरे साल भर जो ग्रेन्स है उसकी सप्लाई हैम्पर ना हो, सप्लाई स्मूथ रहे, एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री, और आपके कंट्री हमारे जो भारत है उसके हर एक पार्ट में वो ग्रेन सप्लाई हो सके, इसलिए स्टोरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाई फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड प्रॉपरली आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो उसके दो रीजन है, पहला थ्रू आउट मिले, और दूसरा ये है कि कंट्री के हमारी जो इंडिया भारत है उसके हर एक प्लेस में उसकी सप्लाई स्मूथ रहे। वाई द फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन, या वाई द फूड ग्रेन्स, ऐसे लिखे, वाई द फूड ग्रेन्स शुड बी, सॉरी बेटा, शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई फूड ग्रेन शुड बी ड्राइड, क्यों आप उसको सुखाते हैं बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज मतलब फसल जो ग्रेन्स है उनको स्टोर करने के लिए, संभाल के रखने के लिए काफी लंबे समय तक, आप उन्हें क्यों सन में ड्राई करते हैं। तो यहां पे लिख देती हूँ बेटा, एज हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होती है कटी हुई फसलें, एज अ हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन्स मोर मॉइस्चर आपको बताएं, जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, विच प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा इंक्रीज करना, प्रमोट्स मीन्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फंजाई और मोल्ड्स। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फफूंदी, फंगस एक्शन, फंगल, ठीक है, ऑन ग्रेन्स एंड स्पॉइल द फूड ग्रेन्स। तो ये एक वजह है बेटा, देयरफॉर इट इज नेसेसरी that therefore it should be dried before storage, therefore they should be dried before storage। ठीक है बेटा, अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आएगा बेटा, एक क्वेश्चन बनाती हूं यहां पे, हाउ मतलब कैसे, हाउ द ड्राइड फूड ग्रेन्स, हाउ द ड्राइड फूड ग्रेन्स गेट स्टोर्ड ऑन द डोमेस्टिक लेवल, ऑन द डोमेस्टिक लेवल ए पार्ट है, ऑन द डोमेस्टिक लेवल, और बी पार्ट है ऑन द कमर्शियल लेवल।
तो हमें दोनों तरीके से डिस्कस करना है कि फूड ग्रेन्स को हम डोमेस्टिक लेवल, मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है घर घर पर, कमर्शियल का मतलब होता है ऑन द लार्ज स्केल मार्केट लेवल पे, मार्केट या बाजार बाजार देख लेना भाई मेरी हिंदी ऐसी है बाजार सही लिखी है बाजार बाजार ठीक है देख लेना तुम्हारी मैम की हिंदी ऐसी है बाजार ठीक है। चले तो डिस्कस करते हैं एक एक करके बेटा, ये रब कर दूं क्वेश्चन नंबर टू। चले कर दो मैम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हमारा लेवल है डोमेस्टिक लेवल, ठीक है, ऑन डोमेस्टिक लेवल। तो यहां पे डालते हैं बेटा हेडिंग डोमेस्टिक लेवल, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं आफ्टर ड्राइंग द फूड ग्रेन्स गेट्स स्टोर्ड इन स्मॉल टिन स्मॉल टिन कोटेड आयरन का होता है पर उस पर टिन की कोटिंग होती है, या फिर और अगर नहीं है तो मड और क्ले से भी हम बना सकते हैं। जो मड और क्ले से हमारे जैसे होते हैं ना बेटा, जैसे जो हमारा जो बेसिकली जैसे गमले होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स के अंदर भी क्या स्टोर किया जा सकता है, फूड ग्रेन। तो यहाँ पे हम दो चीजों को यूज कर सकते हैं, टिन कोटेड आयरन को, एक छोटी सी टंकी जो कि लोहे से बनी हुई है पर उस पर टिन की कोटिंग है, या फिर मड या क्ले से। अब उसके बाद आता है कमर्शियल स्केल, डिस्कस कर लेते हैं। तो कमर्शियल स्केल में क्या बात करी है, फूड ग्रेन्स, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए हमारे वीट, हमारा राइस, ग्राम एक्सेट्रा, इनको हम स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्स गेट्स स्टोर्ड इन, किस में करते हैं बेटा, करते हैं गनी बैग्स में, और या फिर ग्रेन सिलोज में। तो दो चीजें यूज कर सकते हैं, गनी बैग्स या फिर ग्रेन सिलोज। गनी बैग्स और ग्रेन सिलोज में थोड़ा सा ये फर्क है, थोड़ा अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। गनी बैग और ग्रेन सिलोज में हमें किस तरीके से स्टोर करना है कमर्शियली स्केल पे। तो सबसे पहले गनी बैग्स को आप फिल्ड कर दोगे फूड ग्रेन से और स्टैक कर दोगे लार्ज गोडाउन में। गनी बैग्स बेसिकली दे गेट स्टोर्ड इन लार्ज गोडाउन्स, ठीक है, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रेन सिलोज है, ग्रेन सिलोज है व्हेन क्वांटिटी गेट्स टू मच हाई या लार्ज, जब बहुत अधिक ज्यादा बढ़ जाए क्वांटिटी किसकी, फूड ग्रेन्स की, तो हम उनको किस में स्टोर करते हैं, ग्रेन सिलोज में। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट आर ग्रेन सिलोज। तो ग्रेन सिलोज क्या होते हैं, तो ग्रेन सिलोज के बारे में लिखते हैं, ये स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे आर टॉल सिलेंड्रिकल
स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है, विच स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल, विच स्टोर डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, बस। तो बेटा ये हमारा हो गया है, यहाँ टॉपिक खत्म, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स बना देती हूँ यहाँ पे, फिलअप्स एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टॉक है फूड ग्रेन्स का तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, एक्स्ट्रा एन एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज कॉल्ड बफर स्टॉक, और वो हमेशा रखा जाता है, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो और चाहे वो कमर्शियल लेवल पे हो, हमेशा हमेशा। आप खुद देखिए, अगर हम ग्रेन की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से पैसों की बात भी कर सकते हैं। हम अभी अभी हम नहीं पता आगे आने वाला समय कैसा हो, तो हम कुछ अपना पैसा बचा के रखते हैं ताकि आगे हमें पैसे की कमी ना हो। इसी तरीके से ग्रेन्स में भी यही होता है बेटा, हम पहले ही, अब मम्मी क्या करती है, मम्मी पहले ही पापा को लिखवा देती है, सुनो ग्रोफर, जैसे मैं करती हूँ, सुनो ग्रोफर से सामान ऑर्डर कर दो। ऑल्दो अभी सामान है, अभी चीनी है, शुगर है, वीट है, तेल ऑयल सब है, पर वो क्या है, वो हमारा बफर स्टॉक होता है। हम ऑलरेडी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, ताकि एकदम थोड़ी ना मम्मी ऐसे कभी करा है आज तक आपकी, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होगा कि कभी ऐसा हुआ होगा मम्मी ने कहा कि आज रोटी नहीं बनेगी, आटा नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत कम होता होगा ऐसा। पर हमेशा क्या होता है, सरप्लस हम पहले ही मंगा के रख लेते हैं, हमें पता है कि भाई खत्म होने वाला है, एक हफ्ते पहले ही मम्मी, हम मम्मियां लोग चिल्लाना शुरू कर देती हैं, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ताकि वो चीज हमारे घर में आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, इसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। कंप्लीट, एनी डाउट, नो डाउट? नव्या, अनन्या, कार्तिक, तो लाइक करें जल्दी से, जल्दी से लाइक करें, वीडियो को भी लाइक किया करो, मेरी वीडियो नहीं देखते तुम लोग, ऐसे चला के रख दिया करो, मैंने किया था, ताकि वॉच टाइम पूरा हो जाए इसका। अभी वॉच टाइम और व्यूज, जब वॉच टाइम बढ़ेंगे तभी व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे चला के रख दो, कहना मम्मी इसको बस चला के रख देना, देख लो हमारी मैडम कैसे पढ़ाती है। देखो बेटा, यहाँ पे हमने जो स्टोरेज करी है वो फूड ग्रेन्स की करी है। अब आपके पास कोल्ड स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ऐसे चीजों के लिए जल्दी खराब हो जाती है जिनमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे फल सब्जियां, उनको कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, उनको हम थोड़ी ना उसमें स्टोर कर देंगे, गनी बैग्स में, गनी बैग्स में स्टोर करके रख दिया है ना, या फिर सिलोज में डाल दिया, जी हाँ हमने तो गलती से सिलोज में डाल दिया, हमें नहीं पता था, हमने तो सोचा उसे स्टोर करना है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। चलो तो डाले कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बेटा ये हमारा जी में ही चल रहा है, कोल्ड स्टोरेज। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कोल्ड स्टोरेज में, ये जी का ही है बेटा, जी में पहले हमने जो डिस्कस करा है वो फूड ग्रेन्स का करा है, अब जो हम ये करेंगे वो करेंगे पर्शेबल। पर्शेबल मींस खराब होने वाला, ये जिनके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, मींस पर्शेबल, पर्शेबल यही है, पर्शेबल है, पर्शेबल, पर्शेबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे इनके लिए यूज होता है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पेरिशेबल फूड मटेरियल हैव वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ,
बहुत ही कम उनकी शेल्फ लाइफ होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर ऑर्डिनरी की बात करें, जैसे राइट नाउ अभी आप देख रहे हैं बेटा, रोज टेम्परेचर कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हमने जो हमारी पेरिशेबल फूड मटेरियल्स, अगर हम उन्हें स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, रोटन, खराब, सड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको दे नीड्स टू बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। लो का मतलब होता है कम। तो ऑलमोस्ट जो लो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है जिसमें इनको स्टोर किया जाता है। ठीक, यहाँ पे बनता है कि जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इट स्लोज डाउन लो टेम्परेचर क्या स्लोज करता है बेटा, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, एंड इनिबिट्स मतलब खत्म करना, इनिबिट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। तो ये कुछ रीजन है जो लो टेम्परेचर के वजह से हो पाता है पॉसिबल। एक तो स्लो डाउन हो जाती है ग्रोथ का, जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, साथ के साथ जो एंजाइम्स का जो एक्शन होता है, जो अटैक होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। साथ के साथ जो लो टेम्परेचर होता है इट हेल्प्स द फूड। मैम एक्शन ऑफ फूड से पहले क्या था, एक्शन ऑफ फूड बेटा, एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया and inhibits the action of enzymes present in food material. अब ये जो मैंने लिखा है पॉइंट, लो टेम्परेचर इट हेल्प्स द फूड मटेरियल टू मेंटेन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो भी मेंटेन रहती है जब टेम्परेचर लो होता है। अदरवाइज हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। बहुत जल्दी ये जो हमारे पेरिशेबल फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होता है, जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, खराब। तो इसको भी कोल्ड स्टोरेज को भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। वी कैन डू द कोल्ड स्टोरेज, या द स्केल ऑफ डूइंग द कोल्ड स्टोरेज डिपेंड्स ऑन द डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल लेवल। अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए बेटा, ऑन डोमेस्टिक लेवल तो हमने देखा है हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स रखते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर्स क्या होता है, वो रेफ्रिजरेटर्स इसी का काम करता है, वो एक तरह से कोल्ड स्टोरेज ही होता है। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे वी यूज रेफ्रिजरेटर, क्लियर, रेफ्रिजरेटर। एंड ऑन कमर्शियल लेवल वी यूज डीप फ्रीजर या फिर कोल्ड स्टोरेज। अगर हम बात करें ऑन कमर्शियल मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे,
अब मान लीजिए हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए मम्मी लेके आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो 1.5 किलो या 2 किलो ले आएंगे, ये थोड़ा ना 10-10 किलो ले आएंगे, पूरा फ्रिज ही 10 किलो में भर जाएगा। तो सब्जियां कहाँ आएंगी, दूध कहाँ आएगा, पानी कहाँ आएगा, जैम सॉस ये सारा सामान कहाँ आएगा। तो हम उसी कंटेंट या क्वांटिटी में लाते हैं जो हमारा वीकली चल जाए। तो कमर्शियल लेवल की बात करते हैं, तो कमर्शियल लेवल में बेटा क्या है, कमर्शियल लेवल में हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम डीप फ्रीजर्स या कोल्ड स्टोरेज इनको हम यूज करते हैं। डीप फ्रीजर्स या फिर कोल्ड स्टोरेज, चलिए अब आता है, हम शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब डालिए बेटा, अब ये खत्म हो गया है पूरा आपका, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया जो हम चला रहे थे पीछे से, जहां से हमने शुरुआत करी थी अपने पॉइंट से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट था सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, सी पॉइंट इज मैन्युअरिंग, डी पॉइंट से इरिगेशन, ठीक है, ई पॉइंट इज वीडिंग, ठीक है, एफ पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स एनिमल्स एंड डिसीज, ठीक है, एफ के बाद जी, जी पॉइंट इज हार्वेस्टिंग थ्रशिंग एंड विनोविंग, एंड एफ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट स्टोरेज। वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, द फर्स्ट स्टोरेज इज डन फॉर द फूड ग्रेन्स एंड द सेकेंड स्टोरेज इज डन फॉर द पर्शिबल फूड आइटम्स मीन्स विच हैव अ हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर। अंडरस्टूड बेटा, पूरा समझ में आ गया, अब आप क्या बन गए हैं, पूरे किसान बन गए। चले तो अब हमारा है, अब हमारा टॉपिक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉप एंड द हेडिंग इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेशन कर लो, जेशन जेड बना लो, जेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी शुरुआत करते हैं, तो ये होता क्या है बेटा, ये एक टेक्निक है, टेक्निक मीन्स एक तरीका है यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वराइटीज। अब आपको जरा याद होगा, आपने पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पढ़ा था, अब आप 8th में पढ़ा होगा डेफिनेटली, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पे आपने फ्लावर पढ़ा था, फ्लावर में आपने पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है, अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट एक ही फ्लावर के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर मान लीजिए वो डिफरेंट एक पौधा है, एक फूल है, उसके अंदर मेल है और दूसरे के अंदर फीमेल है, और अगर वो दोनों उनके गैमेट्स अगर मिल रहे हैं, एक के पोलन ग्रेन्स दूसरे के ओव्यूल से मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? तो इससे होता क्या है, इसी टेक्निक को, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या है, मान लीजिए अब देखो, अब समझो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा रही हूं। भाई मेरे पास ये पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, ठीक है, अब मान लीजिए इस पे आते हैं लाल कलर के फूल, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है, और इस पे आते हैं हरे कलर के फूल, अब मान लीजिए आप ये तीनों खड़े हो यहाँ पे, अनन्या कार्तिक और नव्या, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अनन्या बोल रही है कि मुझे तो दोनों फूल चाहिए, ठीक है, मुझे तो दोनों चाहिए, लाल भी चाहिए हरा भी चाहिए, तो अनन्या क्या करेगी, तोड़ लेगी इसको, तोड़ लेगी, लाल भी तोड़ लेगी हरा भी तोड़ लेगी। अब नव्या बोलती है भाई ऐसा है, मुझे तो ऐसा फूल चाहिए जिसके अंदर लाल भी हो और हरा भी हो, मतलब एक ही फूल चाहिए जिसमें लाल पत्तियां भी हो और हरी पत्तियां भी हो। तो कार्तिक बोलता है चलो एक काम करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा, इन दो
चीजों को मिला के हम कोई तीसरा ऐसा पेड़ बनाएं या ऐसी कोई तीसरी चीज ऑब्टेन करें जिसके अंदर इन दोनों की क्वालिटीज आ जाएं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यही होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। हाँ बिल्कुल 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 सही बेटा। चलो तो आप इसको डिफाइन कर लेते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए करा था कि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे, इट इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग, इट इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग, क्या डेवलपिंग करने के लिए, न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स नई तरह की फसलों को उगाना बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटीज। अंडरस्टूड बेटा? फॉर एग्जाम्पल सपोज, मान लीजिए सपोज इफ वी वॉन्ट टू डेवलप अ न्यू क्रॉप फर्स्ट हैविंग हाई यील्ड, यील्ड मतलब उत्पादन प्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज। मान लीजिए सपोज इफ यू वॉन्ट टू डेवलप अ न्यू क्रॉप हैविंग वॉट हैविंग, एक तो हाई यील्ड हो और दूसरा रेजिस्टेंस टू डिसीज, तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट सेलेक्ट टू वराइटीज having two varieties, one having high yield, एक की होनी चाहिए high yield and second must be resistive टू डिसीज, ठीक है। तो अभी मैं यही छोड़ रही हूं बेटा, यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं इस क्लास को। तो यहां पे एक हमारे साथ है कि हम एक ऐसी क्रॉप को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें हाई यील्ड भी उत्पादन भी ज्यादा हो और उसमें बीमारियां भी ना हो। तो पहली क्रॉप हम वो लेंगे जिसके अंदर यील्ड बहुत ज्यादा है, जो प्रोडक्शन के लेवल से बहुत ज्यादा होती है, और सेकंड वो वाली क्रॉप लेंगे जिसको बीमारी बहुत कम होती है। और जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें एक ऐसी न्यू क्रॉप मिलेगी जिसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। क्लियर?